अब माइनक्राफ्ट में आपको पता रहेगा अलग अलग टाइप के रेसिपीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें दिस TNT को बनाने के लिए हमें लगता है गन पाउडर सैंड, बट क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि वही इंग्रेडिएंट्स को सेम यूज करते हम लोग रियलिटी में भी ऐसा TNT बना सकते हैं? तो इस चीज को देखने के लिए तो मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आज के इस वाली वीडियो में हम लोग ट्राई करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के सभी क्राफ्टिंग गाइड्स को इन रियल लाइफ और देखेंगे क्या रियली में ये काम करता है या जस्ट फेक है। तो कैंडल को बनाने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ती है एक हनीकॉम्ब की और दूसरे स्ट्रिंग्स की। तो ये कैंडल बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ब्लो हो चुका है, बट माइनक्राफ्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो ये कैंडल को हम लोग बना सकते हैं एक हनीकॉम्ब और एक स्टिंग के द्वारा। क्या ये रियलिटी में पॉसिबल है? लेट्स सी। तो मेरे पास है हनी और मेरे पास है स्टिंग्स। ये देखो, दिख रहा तुम लोग को स्टिंग, बट कुछ चीज की कमी नहीं लग रही आपको, और वो कमी है क्राफ्टिंग टेबल की। 3, 2, 1 हुर्रे, आज का मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल। तो ये रहा हमारा क्राफ्टिंग टेबल, और ये देख लो हमारा क्राफ्टिंग टेबल कुछ ऐसा दिखता है। तो ऑब्वियसली यार विदाउट क्राफ्टिंग टेबल ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो हमको लेना है थोड़ा शहद। पूरे गांजे की खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर रहते हैं फर्स्ट लोग हनी कॉम्ब। तो ये है हनी पूरा, मैं इस हनी को लेजिट भर दूंगा। तो ये रहा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को डालते हैं हम लोग यहाँ पर। तो कैंडल का काम हमने कंप्लीट कर दिया। अच्छा देखते हैं प्रोडक्ट क्या निकलता है। तो ये निकला है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो देखने की बात ये होगी कि क्या अगर हम लोग इसको माचिस लगाएंगे तो ये एक्चुअली में कैंडल की तरह जलेगा लॉन्ग लास्टिंग या नहीं जलेगा। आज हम माचिस से इसको जलाते हैं। फिर लेट्स गो। मैं आया, मैं इसको जला रहा हूं। ये जल भी गया, ये जल रहा है, ये तो बुझ भी गया भाई। I don't know, जो भी हो, बट इससे ये पता चलता है कि ये मिथ बस्टेड है। हम लोग रियल लाइफ में हनीकॉम्ब एंड स्टिंग की मदद से कैंडल को नहीं बना सकते हैं। मेरा शहद बर्बाद हो गया भाई। माइनक्राफ्ट के अंदर आपके एक 3 बकेट दूध, 2 बकेट शुगर, 1 अंडा और 3 वीट की मदद से बना सकते हो। ये है हमारी सिंपल रेसिपी टू मेक अ एक्चुअली केक इन माइनक्राफ्ट। मैं जा रहा हूँ किचन। लेट्स गो टू किचन। तो वी आर बैक विद ऑल रेसिपीज। आ चुके हैं हमारे पास सभी के सभी रेसिपीज। यार ये दूध काला क्यों लग रहा है? तो आज अब बारी बारी सभी दूध को हम लोग लाइनों में रखते हैं। ये रहा हमारा नंबर 1 दूध, नंबर 2 दूध, नंबर 3 दूध, दूध ही दूध। कुछ चीज मिसिंग लग रही है इसके अंदर, शक्कर। लेकिन मुझे भी पता चला है कि मेरे घर में शक्कर अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे घर में शक्कर की चाय नहीं पी जाती है। क्या सो मैं आज का मुट्ठी भर शक्कर के साथ। ओ माय गॉड, इस शक्कर में तो चींटी है। क्या मतलब हम केक के साथ चींटी भी खाने वाले हैं? एंड एट द एंड हमारा क्राफ्टिंग रेसिपी कुछ ऐसा दिख रहा है, जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हो। देखो मुझे किसी एंगल से नहीं समझ रहा कि ये केक कैसे बनेगा। लाइक लिटरली मैं ये सब चीजों से केक बनाना इज नॉट पॉसिबल, लेकिन माइनक्राफ्ट का लॉजिक कहता है कि हम केक बना सकते, तो हमें करना ही होगा। तो आज हम मिक्सअप करते हैं। सब चीजों को संभाल के रखना है, मेरी माँ ने ऑलरेडी बोला है। ओके, तो नो मिस्चीफ, नो बिहेवियर, नो नथिंग, नथिंग, नथिंग। भाई मैं कचरा बना रहा हूँ, मुझे ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि ये केक को मैं ही खाने वाला हूँ। अब हमको इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। बट ठीक है, आ जाओ इसको हम लोग डालते फर्नेस में, एंड फर्नेस में डालने के बाद देखेंगे। फर्नेस सॉरी, ओवन में डालूंगा भाई। तो ये रहा ओवन, ओवन में डालते हैं हम लोग हमारे इस केक को। बाद में मैंने इसको फर्नेस में डाल दिया, वो मोस्टली आधा घंटा से लेके 1 घंटे तक टाइम लेने वाला है। तो तब तक जब तक वो ओवन में फ्रीज हो रहा है, तब तक हम लोग कोई और रेसिपी देख लेते हैं। तो ये है पम्पकिन पाई। पम्पकिन पाई जो कि बनता है एक पम्पकिन, एक शुगर और एक अंडे से। एक तो अभी पक रहा है ओवन के अंदर, अब दूसरे को पकाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज भोपला। भाई लेजिट ये एक जगह पे फिट भी नहीं हो रहा है, ये इतना बड़ा है। अब मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये, तीनों को मिलाकर पम्पकिन पाई बनेगा तो बनेगा कैसे, मुझे ये बात बताओ। एक काम करता हूँ, ये तीनों को मिक्सअप करके मिक्सर में डाल के ग्राइंड करके देखते हैं पम्पकिन पाई जैसा दिखता है या नहीं दिखता है। गाइस अभी तुम लोग देखने वाले हो आयरन मैन की शक्ति। ओके, तो ये भी जाएगा मिक्सर में। ओके लेट्स गो, लेट्स गो। गाइस जिसको नहीं पता, मेरी मम्मी एक बहुत बड़ी शेफ थी 2003 की। दिखाओ 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 कैसे बना। ओपन करो, ओपन ओपन, जस्ट ओपन इट, जस्ट ओपन इट। आई वांट टू सी कैसे बना है। ओह माय गॉड, ये तो दूध लग रहा है, काजू पिस्ता। ओके सर, बैक 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 गाइस। और तुमको पता है, ये देखो देखो देखो, ये देखो ये देखो, कितना कड़वा लग रहा है।
ओ भाई 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 भाई, देखो देखो देखो, अगर मैं इसको पीता हूँ मैं डिमांड नहीं करूंगा। इस वाली वीडियो को हम लोग लाइक गेम रखते हैं 50,000 लाइक। ओके 50,000 लाइक्स अगर हो जाते, अगर 50,000 लाइक्स हो जाते उसी के साथ 5,000 कमेंट्स हो जाते तो मैं पेंडन YouTube से संन्यास ले। एनीवेज आज ट्राई करते हैं पंपकिन पाई को। याक, क्या था ये? सिर्फ और सिर्फ इसमें से अंडे की स्मेल आ रही है और मैं मुंह धोने जा रहा हूं। एक मिनट, मुंह धोने, मुंह धोने। अब देखो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो तो बेरोजगार है, लिटरली वो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, सिर्फ यूट्यूब ओपन करके मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो आज थोड़ी पढ़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। नहीं, मैं एक्चुअल पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माइनक्राफ्ट की पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। माइनक्राफ्ट के अंदर बुक हम लोग बना सकते हैं 3 पेपर और 1 लेदर को यूज करके। तो ये चीज को टेस्ट करने के लिए मैं मेरी पढ़ाकू बहन को बुला रहा हूं। अच्छा, ओ हंसी आ रही है, ऑकवर्ड ब्रो, गाइस शी इज वेरी ऑकवर्ड। ओ मैन, तो देख मैं पढ़ाई तो करता नहीं हूँ, तू पढ़ाई करती है, मैंने कॉलेज छोड़ दिया है, ठीक है? तो मेरे को That one there was a violation. गाइस जिन्होंने पढ़ाई सालों से नहीं की है वो ये देख लो, पेपर कुछ ऐसे दिखते हैं। हम गरीब है, हमारे पास लेदर नहीं है। कुछ खाने को दो ना सब। तो 3 पेपर और 1 लेदर रेडी हो चुका है, तो क्या इससे बुक बन सकता है? चन चरण 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 चरण। ओके फाइनली बुक बन चुकी है। यस, हम लोग ने बुक बनाया है एंड एक्चुअली बुक बना भी है। इतनी घटिया बुक। अंशिका जरा इस बुक को ओपन करके दिखाइयो। तो ये हमारे बुक का पहला पेज ओपन, ये हमारे बुक का दूसरा पेज, ये हमारे बुक का तीसरा पेज और बुक खत्म। एंड इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ने एक्चुअली में एक बुक बनाया फ्रॉम 3 पेपर्स एंड 1 लेदर की मदद से। बट वेट, क्या हुआ उस केक का? ये देख लो भाई, कोई भी केक नहीं बना। इसका मतलब ये हुआ कि ये मिथ बस्टेड है। माइनक्राफ्ट की सबसे वियर्ड चीज, हम पेपर को सिर्फ 2 शुगर केन की मदद से बना सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला शब्द है। शुगर केन की मदद से पेपर कोई कैसे बना सकता है? तुमको पता हो, मैं तुमको दिखाता हूँ। ये लेजिट मेरे पास एक गन्ना पड़ा है, देखता हूँ इसको यूज करके मैं पेपर बना सकता हूँ, ठीक है? तुमको नहीं पता तो मेरे बाजुओं में बहुत पावर है। A few inches later. Finally, मैंने इसके 2 पीसेस कर दिए हैं एंड हमारे पास 2 शुगर केन के पीसेस है। माइनक्राफ्ट में भी 2 शुगर केन ही यूज करते हैं, ठीक है? एक शुगर केन के लिया डाला यहाँ पे, दूसरा शुगर केन को लिया डाला यहाँ पे। अब जरा मुझे कोई बताएगा कि इसके मदद से मैं पेपर कैसे बनाऊ? देखो इसका सिर्फ एक ही आंसर है, या तो कुछ नहीं जा सकता, आया जरूर जा सकता है। अगर हम लोगों को माइनक्राफ्ट में ग्लास बनाना तो हम लोग क्या करते हैं? सिंपली हम लोग लेते हैं एक सैंड, फर्नेस के अंदर डालते हैं, फर्नेस में होता है सैंड स्मेल्ट एंड उसके बाद हमको डायरेक्टली ग्लास मिल जाता है। मेरा पापा बोलता है ये रियलिटी में पॉसिबल है। तो आज इसी बात में पापा की बात एंड माइनक्राफ्ट की बात, दोनों की बात को लेकर सच है या झूठ है। तो यहाँ पे आ चुका है हमारे पास सैंड। मानता हूँ इसके अंदर थोड़े बहुत पत्थर है, वो तो हो गई क्योंकि प्लेग्राउंड से चुरा के जलाया मैंने। और इसी के साथ सैंड भी गया हमारा ओवन के अंदर। A few moments later. थोड़ा बहुत सैंड गरम है, अगर आप लोग टच करोगे ना तो आपको पता चलेगा। लेकिन 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 कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने थोड़ा इंटरनेट पर रिसर्च किया और मुझे पता चला कि हम लोग एक्चुअली में सैंड के थ्रू ग्लासेस बनाते हैं। ये जो आप मिरर देख रहे हो, ये मिरर भी रियल में ये सैंड से बना है। वो इसलिए क्योंकि ये सैंड को बॉइल किया जाता है अराउंड 4000 डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए ये सैंड भले गरम हो चुका है लेकिन ये एक्चुअल में ग्लास नहीं बन पाया क्योंकि इसकी बॉइलिंग टेम्परेचर हम लोग और नहीं बढ़ा सकते थे। माइनक्राफ्ट के अंदर कैट हम लोग टेम करते हैं जस्ट बाय गिविंग वन फिश। अब मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मैं बिल्ली कहाँ से लाऊं? तो अब बिल्ली को हमको किडनैप करना होगा, जहां भी, जिस रस्ते में, जिस कोने में, जिस जगह हमको बिल्ली दिखी हमको किडनैप करके उसको फिश देना होगा और देखना होगा क्या वो टेम होगी। आ जाओ किडनैपिंग करते हैं। वही फिश है जो कि माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट करती है। टेमो, खा। अरे बिल्ली स्पेशल फिश थी, अरे बिल्ली खाना, अरे ये कुत्ते को देखो इसको खाना है बहुत। हमने बहुत एफर्ट्स लिया बट एट द एंड हमको पता चला कि इस बिल्ली ने ऑलरेडी मच्छी खाए हुए हैं।
तो हम चले गए दूसरे बिल्ली की तलाश में। तो गाइस हमारे पास इतने सारे फिशेस हैं, चिप जा रही है। सभी फिशेस को हम इधर डालेंगे प्लेट में एंड फाइनली हम लोग सभी, इसका मतलब ये है कि ये मिथ कंफर्म है एंड फिशेस के थ्रू कैट्स टेम होते हैं इन रियल लाइफ। आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि आपको सब्सक्राइब के बटन पे दबाना नहीं है बल्कि इससे चैनल को बंद करो और ऐसे 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 सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।